प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाती है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाती है, जहां उन्हें जरूरी टीके लगाए जाते हैं ताकि जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में गर्भवती महिलाओं ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ उठाया है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में निशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है और उनके सभी प्रकार के टेस्ट भी मुफ्त करवाए जाते हैं। लाभार्थी महिलाओं ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। जो टेस्ट होते हैं वो फ्री में हो रहे हैं, हमारे टेस्ट जितने भी, अगर हम एडमिट भी होते हैं गायनो वार्ड में, फिर भी हमारे को सारी टेस्ट फ्री में, डॉक्टर भी अच्छे से देखते हैं, राउंड में भी अच्छे से चेकअप करते हैं, मतलब जो भी है सब अच्छे से हैं। गांव-गांव से लेडीज को फ्री में चेकअप मिल रहे हैं और डॉक्टर भी अच्छे से चेकअप कर रहे हैं और बहुत सारी लेडीज इसका बेनिफिट उठा रही है। आशा कार्यकर्ता अनीता ने बताया कि वे अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी देती है और उन्हें अस्पताल लाकर योजना का लाभ पहुंचाती है। 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना चली है, उसके थ्रू हम यहाँ पर महिलाओं को लेके आते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीजों का फ्री और फ्री चेकअप होते हैं सारे, और जिससे जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती है हम उनको बताते हैं। खास बात यह है कि प्रसव संबंधी गंभीर अवस्था में भी योजना के अंतर्गत सुरक्षित प्रसव करवाया जाता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि इससे जच्चा बच्चा को सुरक्षा मिलती है। पर मंथ के हिसाब से हमारे पास एटलीस्ट 500 पर मंथ मिनिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। उस दिन हर एक टेस्ट जो उनका टेस्ट नहीं हुआ है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम हो जाना चाहिए, और एक हेल्थ चेकअप उनका जो मिनिमम डॉक्टर्स के द्वारा मिनिमम हो जाना चाहिए वो करवाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक गर्भवती महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ ले रही है। निश्चित रूप से ये योजना गर्भवती माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोलन से लक्ष्मी दत्त के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़ शिमला।